मेरा जर्नी में इतना बड़ा कंट्री इंडिया है, बाद में बाकी पाकिस्तान ईरान इराक सऊदी थोड़ा ज्यादा ही है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया इंडिया। अभी मैं पीपल का साथ कुछ गलत नहीं बोले, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम कोई को आया मेरे को माफ करो, तकलीफ मेरे साथ कुछ तकलीफ माफ करो ऐसा बोले। अस्सलामुअलैकुम, जैसा कि आप सबको पता है कि शिहाब भाई अभी तक अपने मंजिल सफर की तरफ निकल चुके हैं और वो अभी तक चल रहे हैं। उनका सफर 2000 से ज्यादा किलोमीटर का हो चुका है और बाकी 4000 से कुछ ज्यादा बाकी है। इस वक्त वो इंडिया के बॉर्डर की तरफ मौजूद है, यानी कि वाघा बॉर्डर के बहुत करीब। शायद चंद ही दिनों में वो वाघा बॉर्डर भी क्रॉस कर देंगे। आप बहुत सी वीडियो यूट्यूब में देख रहे होंगे इस टाइम पे कि इस टाइम पे वो अभी दाखिल होंगे या कल दाखिल होंगे, लेकिन इनमें अक्सर वीडियोस में ये हकीकत नहीं है। शहाब भाई ने जाने से पहले अपनी बहुत सारी वीडियोस में लोगों से मिला। शहाब भाई जाने से पहले एक मस्जिद में ठहरे और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी दुआएं की और उस मस्जिद में वो 4 दिन तक ठहरे। शायद उन्हें अपना एक इंतज़ाम करना था। और इसके साथ साथ हमें ये बात भी खबर में आई कि शहाब भाई के साथ मुख्तलिफ लोग और भी शायद पाकिस्तान में इनके साथ ये दौरा करें और इनके साथ हज तक जाएं। इनके साथ की जो टीम है उनमें से भी शायद 2 अफराद इनके साथ पाकिस्तान पे जाएं और फिर वहाँ से आगे। जैसा कि आपने वीडियो में सुना कि शहाब भाई ने कहा कि सबसे बड़ा सफ़र अभी हो चुका है, उसके बाद पाकिस्तान, फिर ईरान, और फिर ईरान से इराक, और इराक से फिर उसके बाद कुवैत, कुवैत से सऊदी अरेबिया का सफ़र उनका बाकी है। और लेकिन सबसे बड़ा सफ़र उनका इंडिया का ही था, बाकी जगहों पे वो इतना सफ़र नहीं करेंगे। पाकिस्तान में भी शायद उनको इतनी ही शोहरत मिले जितनी शोहरत उनको इंडिया में मिली है। हमारी यही दुआ है कि शहाब भाई का सफ़र आसान रहे और वो अपनी मंजिल मकसद तक बआसानी पहुँच जाए। शहाब भाई बहुत जल्द भारत को अलविदा कह देंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान में अपना सफ़र जारी रखें। यहाँ तक कि बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं कि वो वाघा बॉर्डर पर दाखिल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा अभी तक फाइनल नहीं हुआ। वो अभी तक हिंदुस्तान के बॉर्डर की तरफ ही हैं और शायद बहुत जल्द वो वाघा बॉर्डर पर दाखिल हो जाएं। इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर देखते रहें, हम आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मज़ीद मालूमात के साथ फराहम करते रहें। शहाब भाई को निकले हुए आज 116 दिन हो चुके हैं और शहाब भाई अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा हैं। शहाब भाई का बाकी सफ़र 2023 तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 2023 की हज पे इनको हज के मौके पर वहाँ पहुँचना है। और जिस रफ्तार से और जिस तरीके से ये चल रहे हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि शहाब भाई अपनी मंजिल तक बआसानी पहुँच जाएंगे। इस दौरान इनका काफ़ी लोगों से इंटरव्यू भी हुआ और मस्जिदों में जाके इन्होंने बयानात भी दिए और लोगों को दीन की दावत और दीन की तबलीग का हुक्म भी दिया, और साथ साथ में लोगों से माफ़ी भी मांगी और साथ साथ उनसे ये बात भी कही कि मैं तुम सब लोगों के लिए भी दुआ करूँगा। शहाब भाई वाघा बॉर्डर यानी पाकिस्तान लाहौर से नीचे की तरफ होते हुए जाएंगे, शायद सिंध से। शहाब भाई लाहौर से दाखिल होंगे, उसके बाद वो सिंध से दाखिल होते हुए बलूचिस्तान से दाखिल होकर ईरान में दाखिल हो जाएंगे। शहाब भाई के पीछे हज़ारों का मजमा चलता रहता है, इंसान देखता रह जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इस नेक अमल में कितनी ज़्यादा इज्जत दे दी। बहुत से उलमा अभी भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि कोई शख्स अपने आप को इतनी तकलीफ़ दे के ऐसा क्यों कर रहा है। उसे चाहिए कि वो आसानी तरीके से जैसे दुनिया भर के हाजी जाते हैं उन्हीं के साथ एक इज्तमाही अंदाज में दाखिल हो हज के मौके पर। लेकिन कुछ उलमाओं का इस बारे में भी उनके साथ हमदर्दी वाला मामला है कि कोई बात नहीं, अगर कोई शख्स एक मुख्तलिफ अंदाज से हज को तय करना चाहता है तो उस पर कोई बुरी राय नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और जैसे कि जब वो पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे तो वहाँ की अपडेट भी आपको लाइव और रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। शहाब भाई अभी पंजाब के शहर में ही हैं और वो वहाँ पर एक मकान है, वहाँ पर पिछले 4 दिन से ठहरे हुए थे और अभी शायद वहाँ से निकल जाएं अपनी मंजिल की तरफ। शहाब भाई से मिलने के लिए लाखों की तादाद लोग उनके गेट के पास आ रहे हैं, जिन्हें वो दीन की दावत और नमाज की तलकीन कर रहे हैं कि नमाज एक फ़र्ज अमल है और हर इंसान पर फ़र्ज है अपने वक्त के साथ। शहाब भाई लोगों के बीच में खड़े होकर लोगों से भी मिले, बच्चों से भी मिले, फूलों का हार लिया, और यहाँ तक कि जो गैर मजहबी पुलिस है उनकी सख्त सिक्योरिटी के साथ साथ उनके साथ लोग एहतमाम के साथ पेश आए और मोहब्बत के साथ ये हिसाब चलता रहा।
शहाब भाई हर किसी लोगों के साथ मिलकर रहे, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, मोहब्बत के साथ और साथ साथ दीन की दावत भी देते रहे। शहाब भाई को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इज्जत सिर्फ और सिर्फ नेक काम के निकलने की वजह से दी है, वरना ना ये तो कोई पॉलिटिशियन है ना ही किसी किस्म का कोई भी बड़ी शख्सियत है। और शहाब भाई जाने से पहले अब जो लोग मिलने आते हैं तो अक्सर उनसे वो मुलाकात करते हैं और अक्सरियों से मुसाफा करते हैं और सलाम दुआ लेते हैं और उनके हक में दुआ करते हैं और उनसे भी दुआ करने की ताकीद करते हैं। शहाब भाई जब इंडिया में थे तो उनकी टीम थी 15 बंदों की, जिनमें उनके बहुत करीबी दोस्त भी थे और या फिर उनके साथ एक सिक्योरिटी टीम भी थी जो उनके साथ शहर पर शहर चली जा रही थी। अब जैसा कि वो वाघा बॉर्डर पर पहुँच गए और वाघा बॉर्डर जब वो क्रॉस करेंगे तो फिर वो पाकिस्तान की हिफाजत में आ जाएंगे और वहाँ से पाकिस्तानी फोर्सेस या पाकिस्तानी लोग ही उनके साथ उनका अहतमाम करेंगे और उन्हें इस्तकबाल के साथ दावत देंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान में भी उनके साथ बहुत ही ज़्यादा इज्जत व अफजाई वाला मामला होगा और उनके साथ लोग मोहब्बत से ही पेश आएंगे। शहाब भाई जैसे जैसे गुजरते गए तो लोग उनसे ऑटोग्राफ भी मांग रहे हैं, लोग उनसे बातें भी करना चाह रहे हैं, बच्चे उनको हार भी पहनाना चाह रहे हैं। शहाब भाई क्योंकि इंडिया से निकलने वाले हैं तो ये सबके साथ खुशनुदी के साथ और मोहब्बत के साथ मिल रहे हैं और उन्हें जवाब दे रहे हैं और साथ साथ दीन की बातें भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने शहाब भाई का नाम अपने शर्टों पे भी लिखवाया एज अ ऑटोग्राफ, ताकि वो ये जाहिर कर सकें कि हम शहाब भाई से मुलाकात की है और ये हमारी खुशनसीबी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देख के बहुत फ़ायदा हुआ होगा और बहुत सी मालूमात आपको मिल चुकी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हम आपको आइंदा भी अपडेट देते रहेंगे। आप सबका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।